यहां पे हम देख रहे हैं कि अब हमारा सेकंड सेल ऑर्गेनली पढ़ना है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल ऑर्गेनलीज, ये सेल ऑर्गेनलीज कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो कल हमने लास्ट क्लास में देखा प्लास्टिड्स, वो के सेल ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। और उसके तीन टाइप्स हमने पढ़े, ल्यूकोसाइट्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ऑर्गेनली है सेल ऑर्गेनली, इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो बताएंगे। तो सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं, ये रॉड शेप्ड के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह में आपको यहाँ पे रॉड शेप्ड के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है इनका, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है, रॉड शेप्ड होता है, इनका डबल मेम्ब्रेन रहता है। एक एक मेम्ब्रेन जो इसका होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस रहता है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसमें पोरस रहते हैं ताकि मटेरियल को एक्सचेंज करे, ताकि मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाए जो कि इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, वो पोरस रहता है, पोरस होते हैं इसके अंदर, जो इस मटेरियल एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा इसका होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो ये आप देख रहे हो, ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड होते हैं, और इन फोल्ड्स को हम क्रस्टे बोलते हैं। क्रिस्टिया बोलते हैं इन फोल्डस को, जो कि इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डस में होता है इसको क्रिस्टिया बोलते हैं। सो ये क्या करता है कि इसके अंदर कुछ इस कैविटी बन जाती है अंदर से, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेस बन जाती है, कैविटी, तो वो फिल्ड रहती है मैट्रिक्स से, फ्लूड लाइक पोर्शन से ये फिल्ड रहता है। कैविटीज जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो फिल रहती है फ्लूड से, मैट्रिक्स फ्लूड। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो कैविटी होती है प्रेजेंट, स्पेस होती है, वो फिल रहती है मैट्रिक्स से, फ्लूड लाइक पोर्शन से। और इसके इसके पास भी डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। It also contains its DNA and ribosomes. Deoxyribonucleic acid, इसका अपना DNA होता है and ribosomes इसके पास होते हैं। कल हमने देखा plastids, plastids के पास भी अपना होता है, so genetic material होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं, और इनका फंक्शन अभी हम देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। सो यहाँ पे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रियास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि सेल ऑर्गेनली है, सेकंड सेल ऑर्गेनली हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोर्स रहता है, पोर्स इसके अंदर, इसके पास पोर्स होते हैं ताकि मटेरियल को एक्सचेंज कर सके। जो इसका इनर मेम्ब्रेन रहता है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड में रहता है, फोल्डेड बना के, जिसको हम क्रस्टे बोलते हैं। और इसके पास, इस माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी होती है जिसमें फ्लूड मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, मैट्रिक्स रहता है इसके अंदर, फ्लूड लाइक पोर्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, डीएनए उसके पास होता है, और राइबोसोम्स भी इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया के।
सो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला। अब इसका फंक्शन क्या है, ये सेल ऑर्गेनली क्यों होता है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्यों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, ये जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स, इनको मेटाबॉलिक मशीनरी बोलते हैं। ये सेल का काम करते हैं, ये सेल की मशीनरी को चलाते हैं। जैसे कल हमने देखा था प्लास्टिड्स, प्लास्टिड का काम क्या क्या था प्लांट सेल में। हर एक ऑर्गेनली का, सेल ऑर्गेनली का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना काम होता है, तभी ये सेल जिंदा रह पाती है, तभी ये सेल अपना काम अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो जब ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल ऑर्गेनली एक साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है। सो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है इसका फंक्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। In the form of ATP, adenosine triphosphate. इसका फुल फॉर्म है ATP का, adenosine triphosphate. So mitochondria का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ये एनर्जी प्रोड्यूस करना। किस फॉर्म में? ATP फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, सारी सेल की एनर्जी जो आती है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना है। सो इसी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेकंड नॉर्म्स होते हैं इनको याद रखना है। मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है, वो सारा कंट्रोल करता है सेल को। इसी तरह से यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस वजह से इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसको एक और नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या सिंपली करेंसी ऑफ द सेल। जब हमें कोई काम करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, हम जो है करेंसी, हम पैसे जो है वो खर्च करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। इसी तरह से ये सेल जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी अपने एटीपीज को, एनर्जी को ये खर्च करते हैं अपने काम के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को खर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जिस तरह हम पैसे खर्च करते हैं कोई भी काम करने, इसी तरह से ये एनर्जी को खर्च करती है ये सेल। सो कहां से आई ये एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया से। सो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो ये था फंक्शन, इसका मेन फंक्शन यही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। सो ये ओवरऑल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया, ठीक है।